72 वर्ष के बाद आज भी हम यहाँ एकत्रित, इसीलिए एकत्रित हुए। आप देखिए मैं कहाँ का हूँ, आप लोग कहाँ का हूँ, सभी हम एक ही फ्लैग के नीचे, ये तिरंगा के नीचे हम खड़े हुए हैं, क्योंकि इसको ये हमारा देश की शान है, ये हमारा देश के गौरव है। इसको लेके जाएगा कहीं भी, ये सिंबल लेके जाएगा तो कोई किसी भी आपको पूछेगा नहीं, तो सिंबल देख के ही पता चलेगा कि ये निशान देख के ही पता चलेगा, तिरंगा का निशान अगर यहाँ लगा हुआ हो तो ये देख के ही पता चलेगा कि ये इंडिया का है। और हमारा इंडिया का जो झंडा है, जो निशान है, वो इतना फेवरेट है, ये लोगों को, दुनिया के हर किस्म लोगों को, हर एक लोगों को मालूम है कि ये तिरंगा झंडा है। समझ में आई बात? तो इसमें जो ये तीन कलर दिया गया है, ये तीन कलर का महत्व है। जैसे आपका ऊपर का जो आपका क्या है, ऑरेंज कलर का है, नीचे आपका सफ़ेद कलर का है, और नीचे, इसके नीचे आपका ग्रीन कलर का है। तो ऑरेंज कलर का मतलब ये है कि हम क्या कर सकते हैं, हर भारतीय क्या कर सकता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटी, रिलीजियन, क्रीड, हम क्या कर सकते हैं, हम त्याग कर सकते हैं देश के लिए कुर्बान हो। और जो सफ़ेद जो दिया गया है, इसका अर्थ ये है कि हम शांत प्रिय है, हमको शांति चाहिए, ये शांति के वातावरण को मतलब सिंबलाइज करते हैं। और जो मतलब नीचे का जो है वो आपका हरा रंग का है, तो हरा रंग का मतलब ये है, तो हरा रंग का मतलब है वाइटेलिटी, जो सजीव, जो जो आप पत्ते को, पत्ते को, हर पत्ते को देखिए, ये पत्ते का दूसरा कलर होता नहीं है, ये सिर्फ हरा होता है। अगर हरा नहीं होता तो हम जीवित नहीं होते। तो हरा का मतलब ये है वाइटेलिटी, और हरा का मतलब है साहस, जीने का साहस। हरा का मतलब क्या है? साहस है। और इसी मतलब के मतलब से इसको बनाया गया है। और इसमें एक चक्र है, इस चक्र में 24 दंड है। ये कहाँ से लाया गया है? ये जो हमारा पूर्वज जो सम्राट थे, सम्राट अशोक का जो सारनाथ में जो उसका पिलर है, जो उसका पिलर को एम्बलम की हैसियत से भी लिया गया है, राज करने का। जो आपको कहीं भी देखिएगा तो जो गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट लेटर होगा तो